सर, आप केवल 19 साल के थे, 19 साल में हम लोग तो ये भी नहीं जान पाते कि हमको किस लाइन में जाना है, और 19 साल में आपने जंग लड़ लिया। ये जो जीत, जंग से जीत तक का सफर कैसा रहा आपका? नहीं, ये क्योंकि एक जो परिवार होता है वो बच्चे के अंदर संस्कार देता है, और वो संस्कार ही उस जवान को, उस बच्चे को प्रेरित करते हैं किसी भी एक सेक्टर में जाने के लिए। क्योंकि मेरे पिताजी ने तो 65 और 71 का युद्ध लड़ा था, तो वो युद्धों की दास्तानों को सुनाया करते थे, तो उन्हीं दास्तानों को सुनते सुनते हम बड़े हुए और हमारे अंदर भी वो प्रेरणा जगी कि हमें भी सेना के अंदर जाना है। और मात्र 16 साल 5 महीने की उम्र में था जब 12th क्लास का छात्र था, अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, और मैं फ़ौज में भर्ती होकर के चला गया। तो वो ऐसे रेजिमेंट में भी गया जिस रेजिमेंट का इतिहास अभी किताबों के अंदर पढ़ कर के बड़े हुए थे हम, सीके में चब्दुल हमीद, जिन्होंने 1965 के अंदर पाकिस्तान के जो बेहतरीन पैटर्न टैंक थे जो कि अमेरिका ने उनको दिया था, जिसके ऊपर बहुत गुमान था उनको, एक हिंदुस्तान के उस सैनिक ने उनके गुमान को तोड़ करके रख दिया। अकेले एक सैनिक ने 8 टैंकों को ध्वस्त किया था। 1971 में बसंतर का युद्ध, उसमें मेजर होशियार सिंह ने ये दिखा दिया कि एक कंपनी नहीं बल्कि एक बटालियन होती है। तो उन्हीं की रेजिमेंट में गया, तो रेजिमेंट ही वीरता और शौर्य से भरी हुई थी। तो जहाँ हम जिस मिट्टी में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना हो, उनका असर हमारे ऊपर ना हो, ये नामुमकिन है। तो ट्रेनिंग के अंदर भी वो चीज़ें शामिल हुई, और ट्रेनिंग एक ऐसा तप्त भट्टी होती है जिसमें एक सिविलियन बच्चे को डाल दिया जाता है, और जो प्रशिक्षक है 9 महीने तक कुम्हार की तरह उसको पकाता है ताकि उसके अंदर इतनी मजबूती, इतनी सशक्तता आ जाए कि जब जरूरत पड़े तो अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने काम के लिए अपने अंजाम दे सके। सर, आपके पास जोश था, आपके पास जुनून था, पर आपके पास युद्ध लड़ने के लिए एक्सपीरियंस नहीं था। अपने पिताजी से खूब कहानी सुना करते थे आप, पिताजी लाहौर तक गए पर बेटे तो कारगिल तक पहुंच गए, कभी डर नहीं लगा? नहीं, एक जब एक वर्दी पहनता है एक सैनिक, जब उसके बदन के ऊपर वर्दी धारण करता है, तो वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा और सुरक्षा की कसम भी खाता है। वो वर्दी ये 3 मीटर का कपड़ा नहीं है, वो वर्दी है हमारे लाखों शहीदों के निशानी है, तिरंगे की आन बान और शान है। तो वो उस वर्दी के अंदर ही जुनून हो जाता है। पिता तो 65 और 71 में लाहौर तक गए, मुझे मौका मिला कारगिल के तक जाने का, और कारगिल की उन पहाड़ियों के ऊपर एक युद्ध लड़ने का और माँ भारती की सेवा करने का। कुछ लहू इस देश की खातिर बहाया है तो अपने आप में सुकून महसूस होता है, क्योंकि ये तो मिट्टी हमारी, जो हिंदुस्तान की मिट्टी है, ये तो जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की और वीरांगनाओं की मिट्टी है। इसमें तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी गांधी जी, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसी महान सपूत और सपुत्रियां पैदा हुई हैं, हम उन्हीं की तो संतान हैं। जब इस मिट्टी में पैदा होना ही अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली है, और जब इस सेना के अंदर भर्ती हुए तो परम सौभाग्य है। तो पिता तो वहाँ तक गए हैं, लेकिन मैं कारगिल तक गया, और कारगिल के अंदर जैसे पिता ने लाहौर में जाकर के दुश्मनों का खात्मा किया, वैसे ही कारगिल के दौरान मुझे सौभाग्य मिला उन दुश्मनों का खात्मा करने के लिए।